मतलब एक बेचैनी है, जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था जुबैर साहब से भी कि सादर रफीक साहब ये कहते हैं कि हमें तो आपने इस्तेमाल कर लिया, हम आए हमने आपके लिए नारे लगाए, आपके नैरेटिव को लेकर चले और हमने लड़ भिड़ जाने की बातें की और नतीजे में हमें मुश्किलात भुगतना पड़ी। आज जब आपने ओहदे बांटे हैं तो बंदर बांट कर दी और आपने 16-16 नायब सदर बना दिया और न जाने किस किस को ओहदा दे दिया, तो भाई हमारी कुर्बानियों का हमें फिर क्या सिला मिला है? अब ये बेचैनी सिर्फ सादर रफीक साहब में नहीं है, जावेद लतीफ में भी है और लोगों में भी है। नहीं, लेकिन सादर रफीक साहब को पहली दफ़ा ये बेचैनी महसूस हो रही है या मायूसी हो रही है। एक वक्त में मुस्लिम लीग के 36 नायब सदर थे, अभी तो 16 पर आप इक्तफा कर रहे हैं। और दूसरा जो सादर रफीक साहब के साथ हुआ था पिछले दौर में जद्दा से, आपको पता है कि इनकी बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी गई थी। सादर रफीक साहब को याद होगा कि फिर इनकी रुकनियत, पहले इनको ओहदे से हटाया गया, जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब के, और जनाब जुल्फकार खोसा साहब सदर थे, पहले इनकी रुकनियत मुअत्तल की गई, ओहदे से हटा के रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। फिर मुझे जावेद हाशमी साहब का फ़ोन आया, याद होगा इनको, कि उन्होंने कहा कि जी अब ये रुकनियत भी ख़त्म करने लगे हैं और नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। फिर सादर रफीक साहब मिले मजीद निज़ामी साहब मरहूम से, निज़ामी साहब ने फ़ोन किया मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, अकल के नाखून लें, यहाँ लाहौर में तो एक ही आदमी पार्टी लेके खड़ा हुआ है वो सादर रफीक है, इसके अलावा तो लाहौर में कोई पार्टी है ही नहीं। ये सादर रफीक साहब और जावेद लतीफ़ साहब उस वक्त दो मुख्तलिफ कैंपों में होते थे, तो फिर ये इकट्ठे हुए, इन दोनों ने बड़ी जदोजहद की है पार्टी के लिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये पहली दफ़ा उनको ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसे हो चुका है, पहले भी ये इस्तेमाल होते रहे, अब भी इस्तेमाल हुए, आइंदा भी इस्तेमाल होंगे। तो असल में जब ये फ़र्ज़ कर लिया गया कि शायद जमहूरियत के लिए कोई लड़ाई हो रही है, शायद वोट की इज्जत के लिए कोई लड़ाई हो रही है, शायद इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेलने के लिए, तो गलत फहमी तो यहाँ से पैदा हुई। तो उसमें शरीफ ख़ानदान का कोई कसूर नहीं है, वो तो पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि हमने अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने कारोबार के लिए सियासत को भी इस्तेमाल करना है, हुकूमत को भी इस्तेमाल करना है, पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल करना है।